हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक में होने वाला है, इसलिए एक स्टूडेंट आप ही लोग के कोई मित्र थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमें ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में थोड़ा दिक्कत होता है, तो पहले उसका आप रूल बता दीजिए और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल एक दो करा दीजिए, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा जो है वो ब्लॉक रिडक्शन कि या तो उसको लिखने के लिए दे देता है उसका पूरा टेक्निक या पूरा रूल लिखने के लिए दे देता है, और साथ ही साथ जो है कभी इसके साथ कभी कभी जो है इसके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी कभी की अक्सर बात जो है न्यूमेरिकल दे ही देता है 6 मार्क्स में। तो आज हम रूल को समझेंगे, और अभी तक आप रूल को सिर्फ और सिर्फ रटे होंगे, समझ में तो नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत उसमें कोई ट्रिक ही नहीं, कोई भी टीचर डायरेक्टली ट्रिक आपको नहीं बताते हैं कि कैसे उसको याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है वो आपको हम रूल सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको याद कराएंगे। याद कराएंगे मतलब समझा के याद कराएंगे, यह नहीं कि रटाएंगे। आप अगर रटिएगा तो मुश्किल से एग्जाम में 3 से 4 दिन ही आपके दिमाग में रहेगा ये सब कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर हमेशा के लिए रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसीलिए मेरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कब तक रटोगे, आओ अब समझते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का है। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें जानना होगा कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सिस्टम, तो सिस्टम में देखिए एक इनपुट एक आउटपुट और एक ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये जो है टोटल ये सिस्टम हो गया, और यह जो इतना पूरा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक, और यहाँ पर जो यह है इसको हम लोग समिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनपुट आता है तो या तो जिस साइन से वो आएगा जिस साइन के साथ वही साइन के साथ वो ऐड हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। अगर प्लस के साथ आया तो ऐड होगा और माइनस के साथ होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिकअप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट में क्या है कि यहाँ पर से देखिए बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं, तो इसको हम लोग पिकअप पॉइंट कहते हैं। इस सब का जो तीनों सिस्टम आपको बताएं, एक ब्लॉक बताएं, एक समिंग पॉइंट बताएं, एक पिकअप या टेकअप, इसको दोनों कहते हैं, पिकअप या टेकअप दोनों कहते हैं। तो इसका हम लोग आगे का जो रूल हम पढ़ेंगे उसमें आप बहुत मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना रूल नंबर 1 की ओर। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कंबाइनिंग ब्लॉक इन कास्केड। तो कास्केड में ब्लॉक को हम जब कंबाइन करते हैं या सीरीज में ब्लॉक को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जैसे ही आप सीरीज में देखें तो डायरेक्ट आप लोग कुछ नहीं करिएगा, सीधे इसको आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली आप लोग जोड़ दे दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा G1S और इंटू में G2S, तो इसका वैल्यू हो जाएगा CS अपन RS इक्वल टू G1S और G2S। CS बाई RS जो है यहाँ पर वह जो है क्लोज लूप इनपुट या क्लोज लूप सिस्टम का यह वैल्यू है G1S और G2S। तो समझ गए, अगर सीरीज में रहेगा तो डायरेक्टली जो भी ब्लॉक रहेगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही हुआ। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि कंबाइनिंग ब्लॉक इन पैरेलल। अगर ब्लॉक पैरेलल में होगा तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ब्लॉक अगर पैरेलल में होगा तो सिंपली इसमें क्या करना है कि जितना भी ब्लॉक होगा उसको डायरेक्टली जोड़ देना है, जिस साइन के साथ वो है उसी साइन के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे G1S जो है वो प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पर हम प्लस साइन के साथ G1S लिखेंगे, और G2S जो हमारा है वो माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर G2S का वैल्यू हो जाएगा माइनस G2S, और यहाँ पर G3S देखिए प्लस साइन के साथ है तो यहाँ पर G3S का वैल्यू हो जाएगा G3 प्लस G3S। और यहाँ पर से अगर आप क्लोज लूप आउटपुट निकाले तो आप देख सकते हैं कि CS अपॉन में RS अगर हम करते हैं तो उस केस क्या होता है, उस केस में हमारा वैल्यू आएगा G1S माइनस में G2S और प्लस में G3S। तो यही हमारा जो गया क्लोज लूप का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 हमारा है कि मूविंग पिकअप पॉइंट बिहाइंड ए ब्लॉक। ये जो देखिए इसको क्या बोले थे, पिकअप पॉइंट है, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये RS है इनपुट, यहाँ पर टेकअप लिया गया है तो अभी होगा RS होगा, तो दोनों हमारा RS इनपुट में है। तो कह रहा है कि टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले जाना है, तो टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे देखिए यहाँ पर हम ले आए हैं, यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसको यहाँ पर आप देखिए जब इस टेकअप पॉइंट को पीछे ले गए तो जब टेकअप पॉइंट के पीछे ले जाएंगे तो इसमें RS में GS मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए क्या RS, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हमको अगर हम G से डिवाइड दे दें, इसको G से अगर भागा दे दें तो हमारा वैल्यू RS हो जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ पर करना है, तो इसके लिए इसके बीच में हम लोग एक ब्लॉक को इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है,
यहाँ पर हम ब्लॉक को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और इसमें जो है इसका वैल्यू को अगर हम 1/g कर दें तब उस कंडीशन में क्या आएगा, आर एस और जी, यहाँ पर देखिएगा जी सी को हम डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू वापस से आर एस हो जाएगा, तो वही वैल्यू यहाँ पर 1/g से डिवाइड कर देंगे और इसका वैल्यू जो जाएगा वो आर एस हो जाएगा। तो अगर टेकअप पॉइंट को बैक साइड लाना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग 1/g से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या जी से डिवाइड कर देंगे, 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे या जी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, किसके केस में, जब अगर हमको पिकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाना है तब उस कंडीशन में। तो हमारा ये जो था वो तीसरा रूल था। हम लोग चलते हैं चौथा रूल की ओर। तो चौथा रूल है मूविंग पिकअप पॉइंट अहेड अ ब्लॉक, ब्लॉक के आगे लाना है। अब देखिए हमारा पिकअप पॉइंट ब्लॉक के पीछे और इसको हमको आगे लाना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था, यहाँ पर इसका वैल्यू अगर ये आर एस है तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा जी आर एस, क्योंकि यहाँ जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जब देखिएगा इस पॉइंट पर आप, इसका आउटपुट क्या होगा, आर एस जी हो जाएगा, और यहीं पर से अगर आप टेकअप लीजिएगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, जी आर एस होगा। तो उस कंडीशन में अब इसको जब हम आगे ले आएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ का वैल्यू आर एस है तो यहाँ का वैल्यू भी आर एस हो जाएगा, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था जी आर एस। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसमें अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यह जी आर एस नहीं बन जाएगा, तो वही काम हमको करना है यहाँ पर। यहाँ पर तो हमारा था आर एस और यहाँ पर हमको लाना है जी आर एस, तो जी आर एस के लिए अभी तो यहाँ पर आर एस है, अगर इसमें अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी आर एस हो जाएगा। तो अगर टेकअप पॉइंट को पीछे लाएंगे, टेकअप पॉइंट को पीछे लाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि 1/g से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे, कब, जब टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाना है, ब्लॉक के पीछे लाना है तब, ब्लॉक के पीछे, इसी तरीके से आप हिंदी में लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा जल्दी। ब्लॉक के पीछे लाना है अगर टेकअप पॉइंट को तो 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्लॉक के अगर आगे ले जाना है, ब्लॉक के आगे, ब्लॉक के, शायद आपको दिखने में नहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ब्लॉक के आगे अगर ले जाएंगे, ब्लॉक के आगे, तब उस कंडीशन में इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जी से जनरली नॉर्मली जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। यह हमारा था तीसरा रूल और यह हमारा था चौथा रूल। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले रूल की ओर। तो अगला रूल हमारा है पांचवा रूल। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले आएंगे। क्या है, मूविंग समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक, ब्लॉक के पीछे अगर हम समिंग पॉइंट को लाएंगे तब क्या होगा उस कंडीशन में। जैसे देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू को आप देख सकते हैं, इसका इनपुट में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर एस वन, यहाँ पर माइनस के साथ आर एस टू है तो माइनस में आर एस टू। अब जब इसमें जी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ का अगर हम वैल्यू देखें इस पॉइंट का, तो यहाँ पर वैल्यू लाने के लिए इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा जी आर एस वन माइनस के जी आर एस टू। लेकिन जब यह समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले आएंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इनपुट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आर एस वन जी हो जाएगा आर एस वन जी, और इस पॉइंट का वैल्यू आर एस टू। तो यहाँ का अगर हम इस पॉइंट, यहाँ इस जगह का अगर हम आउटपुट देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो वो होगा आर एस जी, आर एस वन जी प्लस में है और माइनस में हो जाएगा आर एस टू, माइनस माइनस टू होगा। अब देखिए क्या आउटपुट आपका सेम मिल रहा है, यहाँ पर जी आर एस वन था, जी आर एस वन और जी आर एस टू था, जी आर एस टू था, और यहाँ पर क्या है सिर्फ आर एस टू है, इसमें हमको घट क्या रहा है, तो यहाँ पर जी घट रहा है। तो यहाँ पर जी के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अगर हम ब्लॉक जी का लगा दे तब तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जी आर एस टू हो जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ पर करना है, पहले से यहाँ पर जी था और ये था जो आर एस वन था, और यहाँ पर यह जो है वो आर एस टू है, और साथ में इसका साइन जो है पहले लिख लीजिए प्लस है और माइनस है। तो अगर इसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो सही हो जाएगा, और हमारा ब्लॉक जो रिडक्शन है उसका वो अभी हो जाएगा, और साथ ही साथ वो वैल्यू जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे, अगर ब्लॉक को मतलब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाएंगे तब यहाँ पर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही अगर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले आएंगे, ब्लॉक के आगे लाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट का अगर हम वैल्यू देखें आउटपुट यहाँ पर का, तो क्या होगा आर एस वन इंटू में जी प्लस साइन के साथ था तो प्लस, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ आर एस टू है तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर एस टू। यह हमारा आउटपुट किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन क्या यह देखिए आउटपुट आपको मिल रहा है, इस जगह का अगर हम आउटपुट देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है आर एस वन प्लस के साथ है तो प्लस के साथ,
और यहाँ माइनस में आर एस टू और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा क्या जी, या जी यहाँ का अगर आउटपुट देख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा आर एस वन प्लस में माइनस में आर एस टू और मल्टीप्लाई होगा यह ब्लॉक तो यहाँ पर जी, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा आर एस वन जी माइनस में आर एस टू जी। तो हमारे पास क्या चाहिए हमको आर एस वन जी और प्लस में माइनस में आर एस टू चाहिए, जी नहीं चाहिए। तो इस जी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस जी को हटाने के लिए अगर यहाँ पर हम जी से यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दे वन बाई जी का, तो यहाँ से जी से अगर डिवाइड हो जाएगा तो आपस में कट जाएगा, तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमको आर एस टू जो यहाँ पर आया है, तो इस आर एस टू यहाँ पर आ रहा है क्या, हमारा आर एस टू जी आ रहा है, तो इस जी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर एस टू जी लिख दीजिए पहले, और यहाँ पर जी को हटाने के लिए वन अपॉन जी से अगर हम डिवाइड दे देंगे तो जी से जी आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसका वैल्यू एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आर एस वन माइनस में यह हो जाएगा आर एस टू अपॉन में जी हो जाएगा, आर एस टू अपॉन में जी। अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यह ब्लॉक आपस में इसमें मल्टीप्लाई होगा जी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आर एस वन या आर वन जी और माइनस में आर एस टू, यहाँ पर आर एस टू ही है तो आर एस टू और फिर यहाँ पर भी जी अपॉन में जी, तो जी से जी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा आर वन एस जी और माइनस में आर एस टू हो गया यही वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है इसमें ब्लॉक को रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको इसके लिए भी अगर हम रूल को दिखा देते हैं ठीक, जो कि आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो अगर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे, ब्लॉक के पीछे लाएंगे, तब इसमें जो है हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे लाएंगे, तब उस कंडीशन में वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें हम लोग चार ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे तो टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाएंगे, तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर टेकअप पॉइंट यहाँ पर है, टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात को याद रखिए कि टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाना है तो वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाना है तो हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा, समिंग पॉइंट को अगर हमको ब्लॉक के पीछे लाना है तो हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाना है तो हम लोग वहां पर वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज का हमारा ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले आप एक ही याद कर लीजिए, टेकअप पॉइंट को अगर हम ब्लॉक के पीछे लाएंगे तो वहां पर वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्लॉक के आगे ले जाएंगे तो हम वहां पर जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाएंगे तो जस्ट उल्टा, वहां पर वन अपॉन जी कर रहे थे तो यहाँ से जी मल्टीप्लाई करेंगे, और समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाएंगे तो वहां पर हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह जो हमारा था मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक था। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 7 के साथ, और यह जो है हमारा आज का सबसे लास्ट रूल है। यह रूल है क्लोज लूप सिस्टम विद फीडबैक। अगर क्लोज लूप सिस्टम होता है और फीडबैक के साथ होता है तो इसका आउटपुट का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ब्लॉक रिड्यूसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, बहुत काम देता है कोई भी सर्किट मतलब ब्लॉक को जल्दी रिड्यूस करने के लिए। तो इसका होता है सी एस आउटपुट अपॉन में इनपुट बराबर होता है जी एस जो यहाँ पर है वो जी एस लिखा जाएगा, सिंपल यहाँ का जी एस लिखा गया। और यहाँ पर जो साइन है माइनस और प्लस है, तो इसका जस्ट उल्टा साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे वन, यहाँ पर देखिए अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर यह जी एस और एच एस आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, सी एस अपन आर एस बराबर जी एस अपन में वन प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इंटू में जी एस आर एस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह हमारा आउटपुट हमारा निकल जाएगा क्लोज लूप जिसके फीडबैक के साथ। तो यह जो था हमारा 7 रूल है, इसको आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए, देखिए और याद करिए। याद करने का क्या, बस यहाँ पर देखिए आपको हम शुरू से देखिए रूल यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, जितना बार आप इस रूल को रिवाइज करिएगा उतना बेनिफिट होगा आपको। तो सबसे पहला रूल हमारा था वो था सीरीज के लिए। तो सबसे पहला हमारा रूल था क्या, सीरीज के लिए। सीरीज में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट अगर दो ब्लॉक है G1 और G2, तो इसका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे G1 G2, यह हमारा आउटपुट निकल जाता था।
दूसरा हमारा था पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या था कि जीवन पैरेलल में था और जी2 पैरेलल में था, तो उस कंडीशन में हम इसका वैल्यू ले रहे थे जीवन और प्लस में जी2 कर रहे थे। तीसरा हमारा रूल था वो क्या था, तीसरा रूल हमारा था कि टेकअप पॉइंट यहाँ पर है, टेकअप पॉइंट को अगर हमको ब्लॉक के आगे ले जाना है या ब्लॉक है इसके आगे अगर हमको टेकअप पॉइंट को लाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यही अगर इसको पीछे लाना था टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के, तो वहां पर जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। चौथा रूल हमारा था समिंग, पांचवा रूल समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को अगर ब्लॉक के आगे ले जा रहे थे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ला रहे थे तो उस कंडीशन में वन अपॉन जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये छठा रूल हो गया। और सातवां रूल हमारा क्लोज लूप सिस्टम विद फीडबैक का था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी एस अपॉन में आर एस इक्वल्स टू जी एस अपॉन में वन, अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर जी एस इंटू में एच एस। तो यह हमारा हो गया, यह जो है हमारा टोटल रूल एक जगह आ गया। यहाँ पर अगर एच एस या जो है फीडबैक अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, अगर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा हम करके दिखाते हैं, जैसे ये हो गया समिंग पॉइंट, यहाँ पर यह हो गया ब्लॉक जी एस, यह हो गया सी एस, यह हो गया आर एस, और यहाँ पर यह जो है फीडबैक डायरेक्टली कनेक्ट है, तब उस कंडीशन में हमने ब्लॉक नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में इसका आउटपुट जो होता है वो होता है सी एस अपॉन में आर एस इक्वल्स टू जी एस, तो लिखा गया ही अपॉन में वन, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस वन माइनस, अगर यहाँ पर एच एस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग वन मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वन इंटू में जी एस, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी एस अपॉन में वन माइनस में जी एस। तो पहले इस रूल को आप लोग एक दो बार देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। तो यह था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा वीडियो में हम दो से तीन बार एक ही चीज को रिपीट किए हैं ताकि आपको आसानी से, और जितना बार हम बोलेंगे जितना बार आप सुनिएगा आपको जल्दी याद होगा। तो यह हमारा आज का सेशन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता है जो कि आपको मदद करता है आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।